में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज 16 सितंबर को शुरू हो गई है। दो दिन चलने वाली इस बैठक के दौरान 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई चरणों में चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल हुए हैं। CWC की बैठक से पहले सोनिया गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस हमेशा तेलंगाना की जनता के लिए खड़ी रही है, अब राज्य की तरक्की के नए दौर में ले जाने का समय है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तेलंगाना और देश के विकास का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर सत्ताधारी BRS और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार देखने को मिला। हैदराबाद के CM चंद्रशेखर राव की तस्वीर के साथ बुक माई CM और 30% कमीशन नारे लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगह कांग्रेस के खिलाफ भी पोस्टर बैनर लगे हैं। एक पोस्टर में लिखा है, 2004 से 2014 तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अनुसूचित जाति कैटेगराइजेशन के नाम पर दलितों को बेवकूफ बनाया था। कांग्रेस एक बार फिर गारंटी के नाम पर ऐसा करना चाहती है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।